नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बालासन। आज हम बालासन का अभ्यास करेंगे और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानेंगे। जिसको बालों की समस्या है, बालों का झड़ना या बालों का सफेद होना, उसके लिए बालासन फायदेमंद है और भी इसके कई सारे लाभ है। तो इसके लाभ, इसकी क्रिया होने के बाद हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस बालासन को किस तरह से किया जाता है वो पहले देखेंगे। बालासन करने के लिए सबसे पहले आपको वक्रासन की स्थिति में बैठना है। इस तरह से आपको वक्रासन की अवस्था में बैठ जाना है। इस तरह से वक्रासन की अवस्था में बैठेंगे और अपने हाथों को ऐसे धीरे धीरे आगे इस तरह से लेके जाएंगे इस तरह से, और अपने सर को जमीन को लगाएंगे। और जो नए लोग हैं जिसका सर नीचे नहीं लगता, तो जहां तक जाता है वहां तक लगाएंगे। इस तरह से सर को नीचे लगाएंगे। इस तरह से कुछ देर रुकना है, उसके बाद में वक्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे कुछ देर के लिए। फिर से इस आसन को करेंगे। ऐसा आप रोजाना 4 बार कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। फिर से जो भी नए लोग हैं वो पहले जहां तक जाता है अपना सर वहां तक लेके जाइए। जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो फिर अपने आप आपका सर जमीन को लगेगा। ये बालासन का रोजाना अभ्यास करने से आपकी बालों की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बालों का जो भी झड़ना है या बालों का रूखापन या बालों का सफेद होना, उससे छुटकारा मिलेगा और आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी, चेहरे का तेज बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो सर की दिशा में ज्यादा फ्लो होता है, तो उससे चेहरा तेजस्वी और कांतिमय बनता है और इससे डायबिटीज के प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच मिलता है, स्ट्रेचेबल होता है। बालासन से अपने शरीर में जो भी दर्द है, पीड़ा है या जिसके हाथ या पैर या बॉडी में दर्द रहता है, उससे छुटकारा मिलता है। अपने पूरे शरीर की नसें खुल जाती है और अपने नसों में खींचाव आता है, अपने पूरे शरीर में स्ट्रेंथ आता है, शरीर मजबूत होता है और मन को शांति मिलती है और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बढ़ जाती है और इससे तनाव दूर होता है। तो इसका आप रोजाना अभ्यास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।